हेलो एवरीवन, आई एम सुशील केसरी, सीनियर फिजिक्स फैकल्टी एट विद्या मंदिर क्लासेस एचएल कोरवा। दिस इज माय फोर्थ लेक्चर ऑन हीट एंड ऑल दोज स्टूडेंट्स हु हैव नॉट सीन प्रीवियस लेक्चर्स काइंडली सी इट फर्स्ट। द लिंक ऑफ प्रीवियस वीडियोस हैज बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। ये हमारा ओलंपियाड वीक चल रहा है और हमने ओलंपियाड वीक के स्टार्टिंग में एक असाइनमेंट दिया था जिसमें एडवांस लेवल के क्वेश्चन हैं और उस एडवांस लेवल के क्वेश्चन को हमने तीन लेवल में कैटेगराइज किया है, लेवल वन, लेवल टू और लेवल थ्री। तो प्रीवियस लेक्चर्स में लेवल वन और लेवल टू को हमने डिस्कस किया है सारे क्वेश्चन को। अब ये लेवल थ्री आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं लेवल थ्री से। क्वेश्चन नंबर वन है, एन आयरन रॉड एट 30 डिग्री सेल्सियस इज ड्रॉप्ड बाय चांस इनटू ए बकेट कंटेनिंग वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस। तो क्वेश्चन में ये है कि एक आयरन रॉड है 30 डिग्री सेल्सियस की, उसको एक बकेट में हमने ड्रॉप किया है और बकेट में वाटर है वो भी 30 डिग्री सेल्सियस पर है। तो अब पूछा हुआ है कि हीट विल फ्लो फ्रॉम रॉड टू वाटर, हीट विल फ्लो फ्रॉम वाटर टू रॉड, हीट विल नॉट फ्लो और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो हीट किधर से किधर फ्लो होगी ये पूछा हुआ है। तो हमने थ्योरी पार्ट में डिस्कस किया हुआ है कि हीट हमेशा हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ फ्लो होती है और हीट, दूसरी चीज ये है कि हीट को फ्लो होने के लिए टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत जरूरी है। अगर टेम्परेचर का डिफरेंस है तभी हीट फ्लो होगी हॉट एंड से कोल्ड एंड में, और अगर टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं है तो हीट फ्लो नहीं होगी। तो यहाँ पे हम अगर देखें तो दोनों बॉडीज सेम टेम्परेचर पे हैं, 30 डिग्री सेल्सियस पे रॉड भी है और 30 डिग्री सेल्सियस पे पानी भी है, तो यहाँ पे हीट का फ्लो नहीं होगा, ट्रांसफर ऑफ द हीट जो है वो नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए टेम्परेचर डिफरेंस बहुत जरूरी है और यहाँ पे टेम्परेचर सेम टेम्परेचर पे है तो यहाँ पे हीट का फ्लो नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हीट विल नॉट फ्लो। क्वेश्चन नंबर टू पे बढ़ते हैं, एन वुडन स्पून इज डिप्ड इन ए कप ऑफ आइसक्रीम इट्स अदर एंड। तो एक वुडन स्पून है, लकड़ी का चम्मच है और आइसक्रीम, कप ऑफ आइसक्रीम में इसको डिप किया गया है। तो पूछा है कि इट्स अदर एंड बिकम कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन, becomes hot by the process of reduction, sorry conduction, does not become cold और last है none of these। तो यहाँ पे wooden spoon है और हम लोगों ने पढ़ा है कि जो wooden body होती है वो एक bad conductor of the heat होता है, तो यहाँ पे ये इसमें heat का transfer नहीं होगा। अब इस वजह से इसका जो answer हो जाएगा does not become cold, क्योंकि जब हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, हीट का ट्रांसफर ही नहीं होगा यहाँ पे ड्यू टू द बैड कंडक्टर ऑफ द हीट, तो इस वजह से जो अदर एंड है वो कोल्ड नहीं होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर थ्री पे बढ़ते हैं आगे, एक्स एंड वाई मेजर्ड देयर बॉडी टेम्परेचर एंड फाउंड इट टू बी 98.6 डिग्री फारेनहाइट एंड वाई recorded 37 degree Celsius, which of the following statements is true? तो दो temperature दे रखे हैं 98.6 degree Fahrenheit और 37 degree Celsius, तो हमें option देखना है, X has higher body temperature than Y, X has lower body temperature than Y, both have normal body temperature, both are suffering from fever। तो x का जो टेम्परेचर है वो 98.6 है, y का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस है, तो हमें देखना कि किस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है। तो अगर हम देखें यहाँ पे दो डिफरेंट टेम्परेचर स्केल पर टेम्परेचर दे रखे हैं, तो हमें कंपेयर करना है, तो इसके लिए दोनों को सेम स्केल पे लाना बहुत जरूरी है। तो हम काम क्या करते हैं कि फारेनहाइट को हम सेल्सियस में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम कंपेरिजन कर लेंगे कि कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है, कौन सा टेम्परेचर कम है, या हो सकता है कि दोनों इक्वल भी हो। तो अगर हम 98.6 डिग्री फारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करें तो इस फॉर्मूले से कर लेते हैं,
हमने डिस्कस किया हुआ है थ्री पार्ट में, बाय यूजिंग सी बाई फाइव इक्वल्स एफ माइनस 32 अपॉन 9। तो यहां से अगर हम एफ की वैल्यू 98.6 रखें और फिर इसको सिंप्लीफाई करें तो सी आएगा, जो सेल्सियस स्केल में इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी 37 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब दोनों जो है वो सेम टेम्परेचर है और ये नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर भी है। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ए बिगर रैप्ड हिमसेल्फ विद ए फ्यू लेयर ऑफ न्यूज़पेपर ऑन ए कोल्ड विंटर नाइट, दिस हेल्प्ड हिम टू कीप हिमसेल्फ वार्म बिकॉज। अब यहाँ पे क्या है, एक बिगर है वो अपने आप को न्यूज़पेपर के थ्रू रैप किया हुआ है कोल्ड विंटर नाइट में। तो ऑप्शन है फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर ऑफ द न्यूज़पेपर प्रोड्यूसेस हीट, एयर ट्रैप बिटवीन द लेयर्स ऑफ न्यूज़पेपर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट, न्यूज़पेपर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट, न्यूज़पेपर इज ए हायर टेम्परेचर देन टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन देखना है। तो हमें पता है कि जो एयर होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है, तो जो एयर बिटवीन द न्यूज़पेपर एंड द बॉडी और जो न्यूज़पेपर के बीच में भी जो एयर होगी वो उसकी वजह से उसको कोल्ड फील नहीं होगा बिगर को, और क्यों, क्योंकि ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो इस वजह से वो उसने रैप किया हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे फ्रिक्शन का कोई रोल नहीं रहेगा, तो इस तरीके से बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते, इन कंडक्शन ऑप्शन आर मॉलिक्यूल्स आर नॉट रिक्वायर्ड, मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज फ्रॉम ईच अदर, अवे फ्रॉम ईच अदर, मॉलिक्यूल्स आर इन कॉन्टेक्ट ऑफ ईच अदर, एंड लास्ट वन इज द कैन टेक प्लेस इन एयर। तो कंडक्शन में पूछा है कि मॉलिक्यूल्स के बारे में, उनकी पोजीशनिंग के बारे में पूछा हुआ है। तो हमें पता है कि कंडक्शन में जो हीट का ट्रांसफर होता है कंडक्शन के थ्रू वो मॉलिक्यूल्स की वजह से होता है, मॉलिक्यूल्स अपने आप को वाइब्रेट करते हैं जैसे ही उसको हीट किया जाता है, जैसे वो उसको एनर्जी मिलेगी, और वो क्योंकि मॉलिक्यूल्स कॉन्टेक्ट में है आपस में, तो पहला मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अपने बगल वाले मॉलिक्यूल को हीट प्रोवाइड करेगा, और पहला वाला जो मॉलिक्यूल है वो अपनी ही पोजीशन पे रहेगा, फिर सेकेंड वाला मॉलिक्यूल थर्ड वाले को हीट सप्लाई करेगा, और फिर इस तरीके से थर्ड वाला फोर्थ को करेगा। तो इस तरीके से एक एंड से दूसरे एंड में हीट का ट्रांसफर हो जाता है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो है वो हमेशा एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में रहते हैं, तभी जो है हीट का ट्रांसफर होता है। तो बेस्ट आंसर विल बी द ऑप्शन सी, मॉलिक्यूल्स आर इन कॉन्टेक्ट ऑफ ईच अदर। तो ये हम लोगों ने थ्योरी पार्ट में डिस्कस भी किया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, विच इज करेक्ट अमंग द फॉलोइंग, ए क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग नैरो एंड यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब, बी पार्ट आउटसाइड द बल्ब ए स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मर्करी कैन बी सीन, सी पार्ट द ग्लास ट्यूब हैज ए बल्ब एट वन एंड कंटेनिंग मर्करी एंड डी इज ऑल ऑफ द एबव। तो ये थ्री पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में। तो पहला जो है वो तो कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स में हम लोगों ने डिस्कस किया है, क्लिनिकल थर्मोमीटर एक लॉन्ग नैरो और यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब से बना होता है, इसके एक एंड पे बल्ब होता है जिसको हम बल्ब बोलते हैं, आउटसाइड द बल्ब, और उसके बाहर एक स्मॉल शाइनिंग थ्रेड होती है मर्करी की, अगर हम उसको टेम्परेचर मेजर करेंगे तो इसकी थ्रू हम उसकी रीडिंग भी देख लेते हैं कि कितना टेम्परेचर है। तो ये भी बी ऑप्शन भी सही है, हम सभी ऑप्शन को चेक करेंगे। सी क्या है, ग्लास ट्यूब हैज बल्ब एट वन एंड कंटेनिंग मर्करी, ये भी एकदम सही है क्योंकि जो बल्ब होता है उसमें मर्करी फील होता है। तो ए बी और सी तीनों ऑप्शन सही है, लास्ट वन इज द डी ऑल ऑफ द एबव। तो बेस्ट जो सुटेबल आंसर हो जाएगा वो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, क्योंकि ए बी सी और आर ऑल करेक्ट, तो यहाँ पे जो बेस्ट सुटेबल आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, लैंड ब्रीज ब्लोज ड्यू टू, ऑप्शंस आर कंडक्शन,
कन्वेक्शन, रेडिएशन एंड ऑल ऑफ दीज। तो ये हम लोगों ने थ्री पार्ट में डिस्कस किया हुआ है ट्रांसफर ऑफ हीट में। तो ये कन्वेक्शन की वजह से लैंड ब्रीज होता है। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स शुड बी मेड ऑफ ए मटेरियल दैट कंडक्ट्स हीट वेल, बी है डज नॉट कंडक्ट हीट वेल, रेडिएट्स हीट वेल, नन ऑफ दीज। तो जो हैंडल होता है कुकिंग यूटेंसिल का वो बैड कंडक्टर का बना होता है, सपोज वुड हो गया या फाइबर हो गया, प्लास्टिक हो गया। ये इसी वजह से होता है क्योंकि वो हीट का ट्रांसफर ना कर सके, हीट कंडक्शन ना हो सके कंडक्शन के थ्रू। अदरवाइज जो भी इसको हॉट बॉडी होगा, अगर हॉट यूटेंसिल है तो अगर उसमें अगर हम नॉन कंडक्टर या बैड कंडक्टर का यूज नहीं करेंगे हैंडल को, तो वो हमारा हाथ भी जल सकता है क्योंकि हीट का ट्रांसफर हो जाएगा अदर एंड पे, तो हमारा हाथ भी जल सकता है। तो इस वजह से वो ऑप्शन हो जाएगा डज नॉट कंडक्ट हीट वेल। क्वेश्चन नंबर 9 है, डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो इज, ऑप्शन आर ऑलवेज फ्रॉम हॉटर बॉडी टू द कूलर बॉडी, बी है ऑलवेज फ्रॉम कूलर बॉडी टू ए हॉटर बॉडी, सी है ऑलवेज फ्रॉम ए बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू ए बॉडी एट हायर टेम्परेचर, एंड लास्ट वन इज द ऑल ऑफ द एबव। तो हीट का जो फ्लो होगा वो हमेशा हायर बॉडी से कूलर बॉडी की तरफ होता है, और ये फ्लो तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों बॉडी का टेम्परेचर एक कॉन्स्टेंट वैल्यू को गेन नहीं कर लेता, दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, ऑलवेज फ्रॉम हॉटर बॉडी टू ए कूलर बॉडी, तो ये हो जाएगा आंसर। एकदम थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, द प्रोसेस विच कैन ट्रांसफर हीट थ्रू द वैक्यूम एज वेल एज एयर। तो यहाँ पे वैक्यूम में हमें हीट का ट्रांसफर बताना है कि किस प्रोसेस के थ्रू होता है। पहला कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन और लास्ट में ऑल है। तो यहाँ पे गैसियस मीडियम है, और गैसियस मीडियम में हमेशा जो हीट का ट्रांसफर होता है वो रेडिएशन के थ्रू होता है। रेडिएशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो भी हीट का ट्रांसफर होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू होता है, और इसमें मीडियम की जरूरत नहीं होती है। तो ये जो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, दैट इज रेडिएशन। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस किया है, और इसमें कोई भी डाउट आता है तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे अपना डाउट पोस्ट कर सकते हैं और मैं उसका रिप्लाई करूंगा। और एक चीज़ और, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो जो भी वीडियोज हम लोग पोस्ट करते हैं वो तुरंत आपके पास अपडेट जाएगा और उसको आसानी से आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।